सबसे पहले अंडे के ट्रे के इस भाग को काट लेनी है। अब उसको ग्लू की मदद से दीवार में चिपका देनी है। अब उसको किसी प्रकार से पेंट कर देना है। जब तक पेंट हो रहा है तब तक जो लोग इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं वे लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी देख सके कि इस वीडियो को कितने लोग इंडिया से देख रहे हैं। अदर कंट्री वाले अपने कंट्री का नाम कमेंट में जरूर बताइए। पेंट होने के बाद ये दीवार को काफी सुंदर बना देता है जो दिखने में इस प्रकार का है। खाते समय आपका भी पेट में गैस भरा है तो आपको हथेली को कुछ इस प्रकार से रगड़ना है, उसके बाद आपका गैस खत्म हो जाएगा। ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले कार्टून में सीमेंट भर लेना है, उसके बाद उसमें चार अंडे के ट्रे को इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद उसके अंदर एक छोटा कार्टून रखकर सीमेंट भर लेना है। उसको सूखने के बाद कार्टून काटकर हटा देना है। उसके बाद उसमें पौधे को लगा सकते हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। अगर आपको बहुत जोर से टॉयलेट लगा और कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है तो आपको पैर के इस भाग में कुछ इस प्रकार से खुजलाना है, उसके बाद कुछ समय के लिए आपका टॉयलेट रुक जाएगा। ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको भी कुछ इस प्रकार से हिचकी आने लगता है और आपको पानी पीने से भी ठीक नहीं होता है तो आपको कंठ के पास 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, आपका हिचकिचाहट तुरंत गायब हो जाएगा। ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका भी नाखून कुछ इस प्रकार से गंदा हो गया तो सबसे पहले पानी में बेकिंग सोडा मिक्स करके उसमें नाखून को डुबा कर मलना है, उसके बाद आपका नाखून कुछ इस प्रकार से साफ हो जाएगा। ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको भी फुहारे के साथ पौधे का सिंचाई करना है तो आपको एक बोतल में इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र कर लेना है। अब उसमें पंप लगाकर टेप लगा लेना है, अब उससे फुहारे के साथ सिंचाई कर सकते हैं। अगर आप भी पक्के हिंदुस्तानी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं आज कितने हिंदुस्तानी हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर आपका भी हाथ में मेहंदी लग गया है तो सबसे पहले नींबू को काट कर बेकिंग सोडा लगा लेना है, उसके बाद हाथ में 5 मिनट तक मलना है, उसके बाद आपका मेहंदी छूट जाएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको भी बैठे बैठे नींद आ रहा है तो आपको लंबी सांस लेनी है, कुछ देर तक अंदर रखना है और उसे निकाल देना है। ऐसा करने से आपको नींद नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।